हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तबस्सुम जायका में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं फिर हाजिर हो गई एक नई रेसिपी के साथ जो बहुत ही लजीज है और हर दिल अजीज है। तो हम बनाने जा रहे हैं चिकन फ्राई, चलें शुरू करें। मेरा 600 ग्राम चिकन है जिसे मैंने चाकू से चीरा लगा लिया, ऐसे ऐसे करके हर एंगल से सारे चिकन में। उसके बाद 2 चम्मच हरा धनिया है, 3 छोटी छोटी हरी मिर्चें हैं, 1 चम्मच पुदीना है। ये जो मैंने धनिया मिर्चा पुदीना आपको दिखाया था मिक्सर जार में पीसने के लिए, इसको मैं दही के साथ पीसने जा रही हूँ, तब आपको मैं दिखाती हूँ। ये मैंने जो अपना हरा भरा आपको दिखाया था दही के साथ मैंने पीस लिया, अब आप ये देख सकते हैं। अब दूसरा इसमें पाउडर मसाले जा रहे हैं, 1 चम्मच चिकन तंदूरी मसाला है, 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च है, ये सब चली गई। ये है मेरा 1/2 चम्मच भुना ज़ीरा और 1/2 चम्मच गरम मसाला, ये सब भी चली गई। ये है मेरा 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच रेगुलर लाल मिर्चें, ये सब भी चली गई। यह है मेरा 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, ये सब भी चली गई। यह है मेरा 1 पिंच कलर, ये भी इसमें चला गया, ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी डालें ना डालें। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच से कम कुटी लाल मिर्चें, 1 चम्मच लेमन जूस, ये सब इसमें चला गया। 1/4 चम्मच से रोज़ वाटर, ये सब भी इसमें चला गया। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से करेंगे मिक्स, और मिक्स करके फिर आपको हम दिखाते हैं। मेरी सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब इसमें मैं डालने जा रही हूँ अपना खूबसूरत सा चिकन, तो ये सारा इसमें चला गया। ये मसालों के साथ हमको इसको मिक्स करना है, करने के बाद हम आपको दिखाते हैं। माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही है, सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं बहुत अच्छे से, सब एक जान हो रही है। अब हमको इसी तरह से 4 घंटे के लिए अपनी चिकन को मैरिनेट करना है। अब हम इसको ढक्कन से कवर कर देते हैं और हम आपको मिलते हैं 4 घंटे के बाद। ये मेरा चिकन है जिसे मैंने 4 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए फ्रिज में रख दिया था। अब इसके अंदर ये जा रहा है 1 अंडा, तो थोड़ा सा हम फेंटते हैं फिर दिखाते हैं। ये अंडा भी इसमें अच्छे से जाके मिक्स हो गया है। अब हमारा इसके अंदर जो लास्ट इंग्रेडिएंट है वो है कॉर्नफ्लोर 2 चम्मच, वो भी हम इसमें छिड़क देते हैं। मैंने अपनी गैस को ऑन कर दिया है, कुकिंग ऑयल डाल दिया है मैंने, ये हो गया है गरम। अब हम चलते हैं अपनी चिकन को फ्राई करने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आराम आराम से। अब आप लोग देख सकते हैं बहुत अच्छे से ये फ्राई हो रहा है। अभी हम इसकी साइडों को चेंज करते हैं। खुशबुएं अभी से खतरनाक आने लगी, माशाल्लाह कितनी खुश हो रही हैं। अब हम अपनी साइडों को पलटते हैं, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है ये। आराम आराम से सारी चिकन को हम अपने एक एक करके आराम आराम से पलट दे रहे हैं। अब आप देख सकते हैं, अब इधर भी हमको 1 मिनट तक फ्राई करना है और चिकन को मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है, ठीक है। अगर आप चिकन के शौकीन हैं तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि इसके पहले मैंने चिकन शाही कोरमा बनाया था जिसकी वीडियो मैंने डाल रखी है, आप मेरे आई बटन पर जाके देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से आप लोगों के लिए नई नई वीडियोस लाती रहूं, तो इसके लिए भाई आपको मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना होगा, ठीक है। मेरा चिकन दोनों साइडों से अच्छे से फ्राई हो चुका है, अब हम आप इसको निकालते हैं और आपको दिखाते हैं आराम आराम से।
देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत लग रहा है ये, माशाल्लाह। अब इसी तरह से दूसरी बार भी हम करेंगे। हम ये अपनी चिकन को डाल रहे हैं आराम आराम से, आराम आराम से। ये सारी चिकन मेरी दोबारा से भी चली गई है, इसे भी हम उसी तरह से मीडियम फ्लेम पे फ्राई करते हैं। वन साइड से मेरी चिकन अच्छी फ्राई हो चुकी है, अब हम जा रहे हैं आराम आराम से इनकी साइडों को चेंज करने, सेम प्रोसेस से। अब आप इधर भी देख सकते हैं, इसी तरह से हम सारी चिकन को अपनी पलट के आपको दिखाते हैं। ये मेरा चिकन दूसरी साइडों से भी बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम अपनी गैस को बंद करने जा रहे हैं और ये सारी चिकन को निकालते हैं। अब हम सेम प्रोसेस से अपने चिकन को आराम आराम से निकाल लेंगे। देख रहे हैं आप कितनी खूबसूरत लग रही हैं। अब हम खाकर भी बताएंगे ये कैसी लग रही हैं। चलें अब हम खाकर भी बताते हैं ये लग कैसा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो मैंने मैरिनेट किया था मसालों को चिकन के साथ, इतना अच्छा इसका आया है टेस्ट, इतना अच्छा आया है कि मैं बता नहीं सकती। जब आप बनाएंगे खाएंगे तब आपको लगेगा कि हाँ मैं सच बता रही हूँ। तो चले जाए भाई, जल्दी जल्दी बनाएं, खाएं, इंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़।